राजपूत जनवाद, क्या वाराणसी में नव निर्माण का पर्पस इसी ज्ञान वापी तीर्थ को हाईलाइट करना था? ना ना, ना, ना। वो मत दीजिए श्रेय, ये बहुत पाप सब लोग करेंगे, कोई तीर्थ को नहीं हाईलाइट नहीं करना था। वो कॉरिडोर का जो निर्माण है वो मोदी एरा का नहीं है, ये कॉरिडोर का निर्माण पहले से हो रहा है। 98-99 में मंदिर का बनाकर, मंदिर को खरीद कर इस पूरे परिसर को सीधा किया जा रहा है। ये कॉरिडोर एरा आप देखेंगे अगर जाइएगा तो धर्म विहीन ये अच्छे अक्षरधाम की तरह बना दिया गया है। और इससे मंदिरों को साफ करके कभी भी होगा, 5-स्टार होटल बनाए गए हैं। अगर तीर्थ को हाईलाइट करना होता उस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में मंदिर थे, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, शिव कह रहे हैं उस तीर्थ क्षेत्र में 5-स्टार होटल बन गए, तीर्थ गायब हो गए यानी मंदिर गायब हो गए। और वो सब पुरातत्व महत्व के हैं, उसके सर्वे अगर होते, एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चांदनी चौक है, चावड़ी बाजार है, इतने पुराने बिल्डिंग, और जब मेट्रो अंदर से गई तो उसके पूरे जो बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए, मेट्रो अंदर से गई उसकी सबसे डीप खुदाई हुई, पुरातत्व के महत्व की पूरे क्षेत्र की गणना होते। तो वॉटसन ने जो कहा था वो मोदी सरकार ASI के सर्वेक्षण से साबित कर देती, ये तो सारे पुरातत्व के सबूत ही नष्ट कर दिए गए, पूरे कॉरिडोर पूरा ही नष्ट कर दिया। और ये जो केस आप कोई एक आदमी मोदी जी पर थोपेंगे, ये व्यास परिवार सबसे लड़ रहा है, आपको बता दिया मैं कि कई बार ये लोग आ रहे हैं, 5 महिलाएं पूजा के लिए लड़ रही है, विष्णु जैन हरि जैन हिंदू हित के लिए कब से लड़ रहे हैं। और एक और उदाहरण दो कि सरकार के ही द्वारा अगर हो रहा था तो कोर्ट के आदेश पे सरकार को आनन फानन में करना चाहिए था, जैसे कि राम मंदिर पे ताला खुलवाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया और अगले दिन जाके ताला खुलवा दिया सरकार ने। ये तो 2 दिन तक इन्होंने पूरी तरह से सर्वे को रोका, योगी जी को फिर आना पड़ा और योगी जी ने जो मेरी सूचना है डीएम और प्रशासनिक अधिकारी को धमकाया कि बाहर करूंगा कोर्ट के आदेश, वरना एक मुख्यमंत्री को पूरे शनिवार को क्यों बैठे रहना पड़ता। सरकारी करवा रही थी तो कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत ही करवा देती, कोर्ट का आदेश है, सरकार पे कोई लंचन भी नहीं लगता, ऐसा राम मंदिर में हो चुका। तो हिंदुओं के हित को अगर हिंदुओं के इतने सारे गिलहरी प्रयासों को छीन के एक व्यक्ति में डालेंगे तो हिंदू होपलेस हो जाएगा। हिंदू योद्धा, आपको मैंने कथा सुनाई है, जब जो तोड़ रहे थे, एक हिंदू तलवार लेके शाहजहां के ऑर्डर के बाद, जिसकी जिसके सबको मंडी ने लटका हुआ देखा था, एक हिंदू, तो एक एक हिंदू की कथा आप छीन लीजिए और दे दीजिए दूसरे को, तो हिंदू होपलेस होगा। वो 5 महिलाएं बेचारी जो लड़ रही है अपना घर परिवार छोड़ के, उसका नाम भी आप नहीं जानते, कितने सारे वकील हैं जो लड़ रहे हैं उनके नाम भी नहीं जानते, व्यास परिवार के नाम भी नहीं जानते। तो ये जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं कृतज्ञता, हिंदुओं की यही कृतज्ञता के कारण हिंदू हारता रहा, क्योंकि हिंदू अपनी लड़ाई नेताओं को सौंप देता रहा। ये कृतज्ञता समाज से मत कीजिए, समाज हमेशा रहेगा, सरकारें और नेता आते जाते हैं, ये कृतज्ञता मत कीजिए। एक एक हिंदू आप कर रहे हैं काम, एक एक हिंदू के चीजों को, अरे मैं इतना ही सरकार करा रही थी तो 2 दिन क्यों सर्वे रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, और आपको इंटरनल में पास बहुत सारी सूचनाएं जो नहीं दे सकता, इस केस को खराब करने के लिए कैसे काम किया गया आखिरी समय में, कल 2 पक्षों के लिए जबरदस्ती तुषार मेहता को उतार दिया गया, जबरदस्ती, और उसके उतारने का परिणाम क्या होगा आप देख लीजिए। पर लोगों के पास समझ नहीं है, कुछ 100-150 जो मास्टर स्ट्रोकवादी जो पेरोल पे काम कर रहे हैं वो पूरा भरमा देते हैं। तो कम से कम समाज के हितों को अगर आप नहीं, समाज से तुलसी आते हैं, सत्ता से नहीं आते, समाज से जो लोग लड़ रहे हैं उनको आप श्रेय नहीं दे सकते, उनके श्रेय छीनिए तो मत। मैं इसमें अगर एक नेता का श्रेय दूंगा तो योगी जी का दूंगा, क्योंकि अगर वो शनिवार को सुबह से शाम नहीं बैठते तो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं जो डायरेक्ट ऊपर से आदेश ले रहे हैं, और आपको ना देखा DGP को बदलना पड़ा, UP सरकार ने बदला, कैसे ये लोग चला रहे हैं ऊपर के आदेश को, मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये सर्वे नहीं होने देते, और शनिवार को योगी जी पूरे दिन काशी में बैठे रहे कि अब तब भी, और आपने देखा योगी जी के जाते ही ये जो ब्यूरोक्रेट है DM, जिसको PM से अवार्ड मिला है तो दिमाग खराब है उसका, वो DM क्या किया, उसने
कोर्ट ने कहा 20 आदमी से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे, उसने 100 से ऊपर एंट्री करा दिया, वजू खाना में पानी भरवा दिया। यानी आपको उस डीएम की हरकत फिर भी दिख गई, फिर दिखी, तब भी आप मानने को तैयार नहीं। योगी जी के हटते ही फिर से प्रशासन नौटंकी करने लगा, क्योंकि प्रशासन ऊपर से आदेश पा रहा है। और जबरदस्ती कल के सुप्रीम कोर्ट में दो पार्टी की लड़ाई है, उसमें हिंदू पक्ष जब जीत रहा है पूरी तरह से, उसमें जबरदस्ती सरकार घुस गई, तुषार मेहता को उतार दिया गया। और तुषार मेहता ने क्या क्या कहा, मतलब आप कानून को समझिए तो सही। सॉलिसिटर जनरल है, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ना फाइल है ना कोई जानकारी है, एक दिन का समय दीजिए मिलॉर्ड। यानी तुषार मेहता को बिना तैयारी के झोंक दिया गया। अब सरकार जब उसमें पार्टी बन जाएगी तो जो हिंदू पक्ष जीत रहा है वो पूरा इंटरनेशनल फंडिंग मीडिया पर ये करके पूरा हिंदुत्व के केस को चौपट कर दिया। अब तक हिंदू पक्ष जीत रहा है, और आज से नहीं, तब ये सरकार नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि 1937 में भी हिंदू जीता, 1942 में भी हिंदू जीता, तब तो मोदी जी नहीं थे, और अब भी हिंदू जीता। अब जबरदस्ती कल बिना फाइल के तुषार मेहता पहुंच गए सॉलिसिटर जनरल, ये तो कोर्ट की ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, और कहा कि इसमें और स्टडी करना होगा, देखना होगा, कोई नॉलेज नहीं। यानी जबरदस्ती का क्रेडिट के चक्कर में पूरे केस को बर्बाद करने के लिए लग गए। क्रेडिट जाना चाहिए योगी जी का, जो बैठ के सर्वे करवाए सारे हिंदू समाज को पूरा क्रेडिट, और नेता में किसी को जाए तो योगी जी को, और कोई इस क्रेडिट का हकदार नहीं है, सबने इसके राह में रोड़े खड़ा किए। मेरी बात बहुत कटु है लेकिन सब साबित हो जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग सुनिए कि उसमें तुषार मेहता कहा क्या रहे हैं, ये आपको प्रोसीडिंग पढ़ने नहीं देते, मीडिया आपको छपती नहीं, और आप सबको घुमा लेते हैं सब।